नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार, दूसरा साथी भागने में रहा कामयाब। खबर है चंदौली दीनदयाल नगर, जहां चंदासी पुलिस चौकी के पास अदर रात्रि में वाहन चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम पर मोटरसाइकिल सवार ने फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई के पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें लंका थाने का रजिस्टर शूटर अशोक कुमार को पुलिस की गोलियां लगी और मौके से गिरफ्तार हुआ। वहीं दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अपनी नियमित चेकिंग अभियान पर थी। इस बीच यह वारदात हुआ। पकड़ा गया अभियुक्त अशोक सैनी गैंग का पूरा सदस्य हुआ। वाराणसी 3 सहित 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है, जिससे पुलिस ने इलाज के लिए जिला चिकित्सालय चंदौली लिया गया तथा उसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। समस्त हमारी जो मोबाइलें हैं, चाहे वो PRB हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला मोबाइल हो, चाहे थानों की प्रथम और द्वितीय मोबाइल हो, समस्त मोबाइल में शासन के निर्देशों को रिकॉर्ड करके उनको ऑडियो दे दिया गया है और प्रत्येक अपने अपने बीच में, मोहल्लों में, गांव में, अपने अपने स्थानों पे भ्रमण करके वो अनाउंसमेंट करके जनता को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं COVID-19 को लेकर के किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए समस्त धार्मिक त्यौहार।